अब हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। ये लड़की हमें हमारे घर में दिखनी नहीं चाहिए। इसे कहो कि हमारे घर से निकल जाए इससे पहले कि हम हमारा आपा खो दे। आंटी, आपने मेरा इतना बड़ा टेस्ट लिया मुझे झूठा साबित करने के लिए, और मैंने टेस्ट दिया भी, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि हमने छुरा रखा और तुम गलती से आ गिरी, यही कहना चाहती हो ना तुम? कौन करता है ऐसा? आंटी, मैं किसी को बचाना चाहती थी, किसी का नाम नहीं लेना चाहती थी। किसका? ईशाना का। ईशाना ने मुझसे कहा उसके लिए पिज्जा मंगाने के लिए। मैंने उसे कहा भी कि घर का खाना खा लो, पर उसने जिद की और तुमने उसकी जिद मान ली। कल को अगर बच्चा जहर खाने की जिद करेगा तो वो भी लाके दे दोगी तुम? हाँ आंटी, मुझे क्या पता कि बच्चे ऐसी जिद करते हैं। मैंने तो सिर्फ ईशाना का दिल रखने के लिए ये सब किया। समझ सकती हूँ सौम्या जी, आपको पता नहीं था आपके खुद के बच्चे नहीं, लेकिन आप मुझे फोन करके बता तो सकती थी ना कि ये जिद कर रही है। मैं समझा देती इसको, आप फोन करती तो मैं बताती कि इसको मैदे से कितनी ज्यादा तकलीफ है। सौम्या, हमने तुम्हारे सामने भी ईशाना को मना किया था पिज्जा खाने के लिए, और ये सब कुछ जानते हुए भी तुमने उसे पिज्जा खिलाया, क्यों? आंटी, तो मैं क्या करती? झूठ बोलना बुरी बात होती है। इतना भी नहीं जानती टीचर जी, खुद भी झूठ बोल रही हो, शर्म नहीं आती? बच्ची को भी झूठ बोलना सिखा रही हो? यह है एक टीचर की शिक्षा। एक टीचर का काम होता है बच्चे को सही और गलत सिखाना, लेकिन तुम झूठ बोलना सिखा रही हो उसे। अम्मा, इसमें सिखाने की क्या बात? अदित, तुम साथ मत दो सौम्या का, जो गलत है वो गलत है। एक मिनट आंटी। ईशाना बेटा, बोलो सबको, बोलो कि तुमने कहा था मुझे पिज्जा मंगाने के लिए। मैंने मना किया था ना, बोलो सबको। ईशाना बेटा, क्या आपने कहा था आंटी से पिज्जा मंगवाने के लिए? बोलो बेटा। ईशाना, साफ साफ बता दो बेटा। बोलो बेटा, बताओ आपने कहा था ऐसा? बस अदित, ये कौन सा तरीका है बच्ची से बात करने का? वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आप सब लोग उसे पूछे जा रहे हो, और वैसे भी इन सब मामलों में बच्ची को बीच में लाना ठीक नहीं है। तो ठीक है अम्मा, घर के बड़ों से ही पूछ लीजिए। पूछे ना मंगल से, अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर क्यों गई वो? माँ है ना, बच्चों के साथ होना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, आप मंगल से कुछ नहीं पूछेंगी, क्योंकि अवार्ड जीत कर आई है ना वो, बहुत बड़ी स्टार बन गई है, बहुत नाम हो गया उसका, पढ़ निकल आए है ना, एक पल के लिए भी घर पे पैर नहीं दिखते इसके, बच्चों की जिम्मेदारी से भागती रहती है। एक बात बताइए मुझे, जब आप और मैं जा रहे थे साथ में, तो इसे साथ आने की क्या जरूरत थी? बात घूम फिर के मंगल पर क्यों आ गई? उसकी क्या गलती थी? और सच पूछो ना आदित, तो सारी गलती तुम्हारी है। अच्छा, मेरी? मैंने क्या किया है पापा? तुम्हीं ने ईशाना को सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है, तभी वो किसी की सुनती नहीं है। जब देखो तब मंगल से बदतमीजी से पेश आती है, और तुम ना उसे रोकते हो ना टोकते हो, इसीलिए इतनी जिद्दी हो गई है। और खास तौर पर मंगल की एक बात नहीं सुनती खाने पीने के लिए। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित, और मंगल हमेशा से ईशाना को समझती आई है। और रही बात ईशाना को घर पे अकेला छोड़कर हमारे साथ आने की, तो हम ही ने मंगल से कहा था कि वो साथ में आए। आदित,
मंगल के लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका था ट्रॉफी पे अपना नाम देखने का। लेकिन हाँ, एक गलती हमसे जरूर हुई है, जो इस टीचर जी पे भरोसा कर लिया हमने। हमने सोचा था कि बच्ची घर पे अकेली है, टीचर साथ में है तो ध्यान रखेगी, ये खास तौर पे तब जब घर पे कोई नहीं था। लापरवाह। हमारा सौम्या यहाँ इशाना को पढ़ाने आती है, अब आप उस पर घर की जिम्मेदारियां भी डाल रही तो ना आए पढ़ाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है घर पे आने की और ना ही इशाना को पढ़ाने की। अम्मा जाने दीजिए ना, सौम्या जी इशाना को इतनी मेहनत से पढ़ाती है, इशाना की परीक्षा भी है। अम्मा मंगल, ये दुनिया में अकेली टीचर नहीं है, हम कोई और टीचर ढूंढ लेंगे हमारी इशाना के लिए, इसको आने की कोई जरूरत नहीं है, ना आए। आदित तुम कुछ नहीं कहोगे? हाँ हाँ बोलो आदित, जवाब दो, क्या निर्णय है तुम्हारा? क्या बोलूं अम्मा, मैं आपका फैसला मानता हूं। सौम्या तुमने जो कुछ किया गलत किया, हमारे बच्चे को तुम्हें बाहर का खाना नहीं खिलाना चाहिए था। क्यों खिलाया तुमने उसे पिज्जा? इस सवाल का कोई जवाब है तुम्हारे पास? आदित्य याद रखूंगी ये दिन, मैं अच्छे से याद रखूंगी। और अगर जवाब नहीं है तो तुम जा सकती हो। इस बारे में मुझे और कोई बहस नहीं करनी, जस्ट लीव सौम्या। बेटा ठीक हो जाएगा। इशाना तुम मेरे साथ अंदर चलो। कहाँ पापा? अजय जी मैंने कहा ना अंदर चलो। निधि तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगी। अच्छा नहीं जाओगी? नहीं। ठीक है चलो चलो, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? बोलो। मैं उस घर में तभी आऊंगी जब तुम उस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकलोगी। ये कैसी शर्त है? देखो निधि, हमें पुरानी बातें खत्म करनी चाहिए और हमें मिलजुल कर ही रहना है ना। गॉड, लुक हु इज टॉकिंग, जो खुद पूरे घर में लड़ाई करवाती है और यहाँ मुझे एकता और अखंडता पर लेक्चर दे रही है। गॉड लक्ष्मी, मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, अकल से खाली और शक्ल से बिल्कुल नौकरानी लगती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम जैसी लड़की कार्तिक निगम जैसे बड़े स्टार की वाइफ है? बिल्कुल लो क्लास सेकेंड ग्रेड। ओह आई एम सो सॉरी, थर्ड ग्रेड बिल्कुल कबार है। इशाना बेटा ये टी शर्ट आपको पसंद है ना, ये पैक कर लो। हाजी जी ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी फेवरेट बुक्स है ना, ये भी रख लो। दीजिए आप इशाना का सामान क्यों पैक कर रहे हैं? इशाना हॉस्टल जाएगी। हॉस्टल? नहीं नहीं
ऐसा नहीं हो सका। मैंने ईशाना से कहा था अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा। अदिति, आप गुस्से में हैं, थोड़ा शांत हो जाइए। प्लीज बेटा, आपको जाना पड़ेगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। अदिति, आप ईशाना को उसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। मंगल, मैं ईशाना को उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलतियों की सजा दे रहा हूँ। एक तो तुम उसकी ढंग से परवरिश नहीं कर पा रही हो, मेरे तरह होशियार बनाने के बजाय अपने तरह बेअकल बनाकर रख दोगी। इससे तो अच्छा है वो तुमसे दूर ही रहे। आदित, होश में तो हो? बच्ची को घर से दूर करोगे क्या? क्यों भेज रहे हो हॉस्टल? बेटा, ये ठीक नहीं है। बच्ची को अपना घर चाहिए, माँ बाप चाहिए, और हमें भी तो हमारी पोती साथ में चाहिए। पापा, मैंने तय कर लिया है। अभी आप ही कह रहे थे ना कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा हूँ, तो लीजिए, अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। हॉस्टल जाएगी, वहां के सख्त नियम होंगे, पढ़ाई करेगी, सुधर जाएगी। मैम, मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी था, ये मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है पापा। मंगल तो जवाबदाई है नहीं, आप लोग तो बस इसके गुणगान गाते रहते हैं, हर वक्त उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग कीजिए, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी बच्ची को सफर होते हुए नहीं देख सकता। अदित जी, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं अब ईशाना के पास से ना एक पल के लिए भी नहीं हटूंगी। आप इसे हॉस्टल मत भेजिए, ये हमसे एक पल के लिए कभी भी दूर नहीं हुई है। वहाँ पता नहीं कैसा माहौल होगा, और ये खुद हॉस्टल नहीं जाना चाहती है। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, हम इसका मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। नहीं मंगल, अब मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें एक माँ होना सोचना चाहिए था कि तुम्हारी हरकतों का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। एक अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकी तुम, कम से कम ढंग की माँ ही बनकर दिखा देती। जी, आप इस हॉस्टल बंद करिए। ये हॉस्टल ही जा रही है, दुनिया भर के बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैं इसे कोई जेल भेज रहा हूं। बस मैंने तय कर लिया है, अब इस मामले में कोई भी ईशाना को शह नहीं देगा। दादू, दादू, मुझे नहीं जाना हॉस्टल। तुम जिसका मजाक बना रही थी, जिसकी इंसल्ट कर रही थी, वो मेरी वाइफ है और तुम्हारी भाभी। इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो तुम? कहां गए तुम्हारे मैनर्स? थर्ड ग्रेड तुम हो क्योंकि तुम्हारी सोच घटिया है। शर्म आ रही है कि तुम मेरी बहन हो। बस भैया बस, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं घर छोड़कर आई थी। कल तक तो मैं आपकी लाडली बहन थी, आज दुश्मन हो गई। I'm done with this nonsense. अब जाइए यहाँ से, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करना है। Come on guys, let's order something. ये दोस्त है तुम्हारे? ये तुम्हारे दोस्त होते ना तो तुम ऐसे बदतमीजी नहीं करने देते, तुम्हें घर भेजते, ना कि तुम्हारी बातों पे ऐसी खिल्ली उड़ाते। I'm so sorry guys. Please, आप लोग घर जाइए, मैंने दी को लेने हैं। नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इनकी बात सुनने की तो कोई जरूरत नहीं है। वो यहां से जाएगा तो वो है लक्ष्मी। ओके, फाइन, लक्ष्मी जाएगी। चलो। हाँ, एक मिनट, जाने से पहले काम याद आ गया, वो करके जाता। भैया, ये क्या कर रहे हो आप? भैया, ये मेरा फुटबॉल। ये क्या किया आपने? मेरे कार्ड तुम्हारे?
रियली? जहां तक मुझे याद है विकास तो हमारे सिर्फ नाम तुम्हारा है, और अगर तुम इतनी इंडिपेंडेंट हो गए हो कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों की जरूरत नहीं है तो फिर इनका भी क्या काम है, इन्हें भी छोड़ दो। मैं पेमेंट कैसे करूंगी? ये फ्रेंड्स है ना तुम्हारे, ये करेंगे पेमेंट। और गाइस आप में से कोई एक पेमेंट कर देना। वो मुझे तो भागना होगा, मेरी ज़ुम्बा क्लासेस है, सो सॉरी। हाँ और वैसे भी निधि की ट्रीट थी ना, तो मैं तो वॉलेट ही नहीं कैरी कर रही हूँ। तू मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। हाँ 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 ठीक है, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, चलो बाय। So, ये फ्रेंड्स है तुम्हारे जो जरूरत पड़ने पे तुमको छोड़कर चले गए, और ये फैमिली जिसको लाख ताने मारने के बाद भी वो तुम्हें लेने के लिए आ गई। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा हमारे साथ चलने के लिए, क्योंकि तुम खुद समझदार हो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहां रुकना है तो रुको या फिर हमारे साथ चलना है तो चलो। लेकिन देखिए तमीज के साथ चलना होगा। ये देखिए ईशाना की सबसे पहली तस्वीर। ईशाना का पहला जन्मदिन, कितनी प्यारी लग रही थी ना, और ये फ्रॉक मंगल ने उसके लिए बनाई थी। अपने आप को राजकुमारी समझकर पूरी पार्टी में कैसे नाच रही थी। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो गए ना। सच पूछो ना कुसुम, तो हमारे पोते पोतियों के साथ जो हमारे रिश्ते बनते हैं ना, वो हमारे बच्चों के साथ कई गुना गहरे होते हैं। तो सवेरे उठने का सबसे बड़ा कारण ईशाना और अक्षति तो है, उनके साथ खेलना कूदना समय बिताना, वरना बुढ़ापे में मैं और क्या करूंगा। पर कुसुम मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अदित ईशाना को हॉस्टल क्यों भेजना चाहता है? हम हैं ना यहाँ, हमारे होते हुए ईशाना हॉस्टल जाएगी? सबसे बड़ी बात तो चुभती है वो ये कि अदित ने इतना बड़ा फैसला लिया पर ना मुझसे ना तुमसे कोई सलाह ली, क्या उसे हमारे हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं, या फिर इस घर में अब हमारी कोई अहमियत नहीं? सुबह कल सवेरे हम दोनों मिलके उसके साथ बात करेंगे, उसे समझाएंगे। कल क्यों, आज ही बात करेंगे हम उससे, हम माँ हैं उसकी, अगर वो कोई गलती करेगा तो क्या हम उसे करने देंगे? आज सब तय हो जाएगा, ऐसे नहीं चल सकता। यार ये सौम्या को भी गुस्से में क्या हो जाता है, ना फोन का रिप्लाई कर रही है ना मैसेजेस के, कैसे समझाऊं उसे? सनी एक बार बात कर लो मुझसे, तुम जानती हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूं आपने ऐसा क्यों किया। क्या मतलब? आपने ईशाना को डराने के लिए हॉस्टल जाने की बात की है ना, वो बहुत डर गई है। इस बार डरा नहीं रहा हूं मैं मंगल, करके दिखाऊंगा। अजीत जी मेरी बात सुनिए। मंगल आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, मेरी जिंदगी तो खराब कर ही चुकी हो तुम, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा मैं। आए दिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस घर में तमाशा होता है, एक दिन चैन का सुकून का नहीं मिला है मुझे, मेरी जिंदगी में ना ग्रहण बनकर छा गई हो तो। क्या हुआ आदित? लगता है तुमको सबसे ज्यादा ही परेशानी है, चाहे वो माँ बाप हो, पत्नी हो, बच्चे हो, है ना?
ये क्या है अम्मा? देख तो रहा है कि तिजोरी की चाबियां है ये। हाँ, पर आप ही मुझे क्यों दे रही हैं? अब इसे तुम ही रख लो बेटा। सब कुछ संभालना चाहते हो ना, सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हो, तो इसे भी ले लो और अब घर तुम ही चलाओ, क्योंकि तुम्हें किसी की सलाह की कोई जरूरत नहीं है। और हमको आजाद करो। और हाँ, एक काम और करो बेटा, हमको वृद्धाश्रम में भेज दो। ना गुड़ रहेगा ना चीटियां आएंगी। माँ आप सही तो कह रही है कुसुम, हम लोग अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बिता देंगे।